दोस्तों, ये उन लोगों के उन देश जो देशद्रोही लोग हैं, संघी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, एक्चुअल में देश को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और किसानों के समर्थन में देश भर के गांव-गांव में पंचायत का दौर भी जारी है। इसी के चलते आज यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र में कई गांव से मुस्लिम समुदाय के लोग किसान यूनियन के झंडे तले एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम को महापंचायत का नाम दिया गया। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। किसान नेता संजीव गोदियाना के साथ साथ कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने भी शिरकत की और मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून की आड़ में जमकर शब्दों के बाण छोड़े। हमेशा दिल्ली रहते हैं, इनको ज्यादा पता है। और हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने उनको कहा और वो वहां भी अलग बैठे, जहां पुलिस प्रशासन की तरह बैठे, हमारी किसान यूनियन के धरने से 200-300 मीटर दूर बैठे। हमारे किसान साथियों ने, किसान नेताओं ने उनको पहले कहा भी ये गलत करेंगे और वो सामने भी आ गया। जो हमारे लोग वहां बैठे हैं बहुत समझदार है, बहुत चौकस है। हमारा सबका फर्ज बनता है जो हुक्म वहां से आता है जिला प्रधान के पास और जिला प्रधान आगे नीचे सर्कुलेट करता है या ब्लॉक प्रधान, हमारा सबका फर्ज बनता है कि उनके हुक्म को मानते हुए हमने सामने जहां भी हमारी ड्यूटी लगे इकट्ठे होना है और इस अंधी बैरी सरकार को दिखाने की कोशिश करनी है। जैसे कि 75 दिन के तकरीबन हो चुके हैं दिल्ली में किसानों को बैठे हुए, किसानों के धरने को चलते हुए, उसी के तहत आपने देखा आज गली गली में और खापों की पंचायतें हो रही हैं, गांव की पंचायतें हो रही हैं, बिरादरियों की पंचायतें हो रही हैं और एक विशेष समुदाय की पंचायतें हो रही हैं आंदोलन को तेज बनाने के लिए, आंदोलन को शक्ति देने के लिए। उसी के तहत कल भूमथड़ा राव में किसानों की पंचायत थी, जो खादर एरिया है उसकी पंचायत थी और आज खिजराबाद में अपने मुस्लिम समाज भाइयों की पंचायत है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को बांटना चाहती है। कभी इसको पाकिस्तान का आंदोलन बताया जाता है, कभी पंजाब का आंदोलन बताया जाता है, कभी सरदारों का आंदोलन दिखाया जाता है, खालिस्तान का आंदोलन दिखाया जाता है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं सरकार को ये 36 बरादरी का आंदोलन है, हर समाज का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन है। इसलिए हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अपनी जमीन और जमीर को बचाने के लिए खड़े हैं, यही संदेश देने के लिए आज जगह जगह पर पंचायतें की जा रही हैं किसानों। किसान नेता संजू गुंदियाना की माने तो गांव-गांव में खाप बिरादरियों और विशेष समुदायों की पंचायतें हो रही हैं ताकि किसान आंदोलन को और मजबूत बनाया जा सके। सरकार आंदोलन को कभी पंजाब तो कभी पाकिस्तान और कभी खालिस्तान की साजिश बताकर बांटना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज ये आंदोलन 36 बिरादरी के आंदोलन का रूप ले चुका है। हर कोई अपनी जमीन और जमीर बेचने के लिए जाति मजहब से ऊपर उठकर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जब तक काले कानून वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और किसानों से आह्वान किया गया है कि सभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करें। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।